Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum, I'm Fatima, aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj mere kitchen mein ban raha hai chicken pulao. To uske liye mujhe ingredients chahiye, unko note down kar lete. Bismillahirrahmanirrahim. Ye mere paas 2 kilo basmati chawal hai, ise maine aadha ghanta pehle dho ke bhigo ke rakh diya. Ye mere paas 2 kilo chicken hai. मसालों में हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्ची, 1.5 चम्मच कुटा हुआ मोटा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच मेरे पास ये राउंड वाली रेड चिली, उसके साथ 2 चम्मच मेरे पास ये गरम मसाला जिसमें तमाम मसाले पिसे हुए, ये फूड कलर है, ये मेरे पास 3 टमाटर है, 3 प्याज, ये लहसुन का मैंने पानी बना लिया, 1 डली लहसुन लेके उसको 1 कप पानी ब्लेंडर में डाल के मैंने उसको छान के उसका सिर्फ पानी यूज करूंगी, लहसुन की पेस्ट नहीं। ये मेरे पास अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये 4 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, ये मेरे पास जायफल और जावित्री है, इसको हम कूट के पाउडर बनाएंगे, और ये तमाम खड़े मसाले जिसमें 3-4 कड़ी पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक, 3-4 काली इलायची, हरी इलायची, 2 चम्मच जीरा और 6 से 7 दाने लौंग के। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हम अपना ऑयल डालेंगे। मेरे पास ये इस तरह का ग्लास है, तो मैं ये 2 ग्लास ऑयल डालूंगी इसमें। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा, प्याज डालेंगे, मैंने कपड़े करते हैं, और मेरा गर्म होगा प्याज डालेंगे, और लाइट ब्राउन होने तक अपने प्याजों को फ्राई करेंगे। बहुत कम मसालों के साथ हम अपना प्याज बनाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारे गर्म हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत थोड़ा डार्क कलर करूँगी। प्याज मेरी रिफाइंड के मुताबिक होंगे, चिकन डालेंगे, प्याज डालने के लिए इसको चिकन डालेंगे। 2 मिनट हो गए, मेरे तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से खुशबू गए हैं, और दूसरे मसाले डालेंगे। फिर मेरे पास अदरक और मिर्ची की पेस्ट, इसके साथ ही मिला दूंगी ये सूखा धनिया और लाल मिर्ची, इसके साथ सूखे धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची और काली मिर्ची जो आपको बताई थी बना लेंगे, मैंने इसको मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरह भून लिया। अब इस पोनों के मैं आपको इसके लहसुन का पानी डाल लूँगी, तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बना के रखा ये लहसुन का पानी 1 कप के करीब है। साथ ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी, तो मैंने दिखाया था आपको बैटर और जायफल का मैंने पाउडर में इसमें नहीं डाला। तमाम मसाले और चिकन हमारी चिकन से भून गई, अब यहाँ इसको हम हम इसमें पानी डालेंगे। मेरे पास 2 किलो चावल है, तो उसी हिसाब से इसमें पानी डालूंगी। मैंने अपनी चिकन में पानी डाल दिया, मेरे पास 8 ग्लास चावल थे, तो मैंने उसी हिसाब से पानी यूज़ किया है। मैंने 8 ग्लास चावलों के लिए 12 ग्लास पानी यूज़ किया है, और आप भी इसी तरह से अपने चावलों के हिसाब से पानी की क्वान्टिटी को देखिए। बस चावल पकाने का बेहतरीन हिसाब ये कि आपका चावल 1.5 इंच पानी में डूबा होना चाहिए। पानी डालने के साथ ही मैंने इसमें नमक, अब इसमें डाला नमक, तो मैंने चावलों के हिसाब से 1 ग्लास चावल तो 1 चम्मच नमक का हिसाब रख के हम लोग चलते हैं। मेरे पास ये 8 ग्लास चावल है, तो मैंने इसमें 8.5 चम्मच नमक के डाले, अगर कम होगा तो चावल डालने से पहले हम लोग चेक कर लेंगे। उसके साथ ही मेरे पास ये जायफल और जावित्री का पाउडर मैंने पीस के जो रखा था, अब हम इसमें डालेंगे। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे कि इसकी यखनी अच्छे से तैयार हो। यखनी जो है वो अच्छे से उबल गई है, चिकन भी जो है वो गल चुकी है,
इस मोमेंट पे हम इसमें अपना नमक टेस्ट करेंगे, अगर कम हुआ तो हम और डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। तो अब मैं इसका चावल डालूँगी, नमक बिल्कुल ठीक है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसमें एक लेमन लेमन का जूस, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, तो हम इसको हिलाएंगे अच्छे से। चावल मेरे जो है दम लगाएंगे हम, जब इतना पानी रह जाए चावल में स्टेक हमारी जो है इतनी पानी के अंदर रहे, यानी हाफ से भी थोड़ा नीचे है, तो बस इस टाइम आप हम चावल को गर्म लगाएंगे। रख दिए, अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर और सामने हाफ ग्लास में ऑयल इसमें डालूंगी। मुकम्मल मुझे 2.5 ग्लास ऑयल चाहिए, लेकिन आधा इसलिए ऊपर से डाल रही है क्योंकि इससे ना तो हमारे चावल चिपकेंगे और चावलों के ऊपर बड़ी ही खूबसूरत शाइन आती है जिसे देख के चावल में होती है। तो बस हम इसको दम लगाएंगे, फिर चारा दम के बाद आपको इसका खाने लगते हैं। सर इसके आगे भाप आ रही है, सूरज से शायद आपको क्लियर दिखेगा नहीं, लेकिन माशाल्लाह एक चावल अलग है। उसको डिश आउट करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। मान रहे की बरकत के साथ मैंने अपने पुलाव को डिश आउट कर लिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।